So hello everyone, this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So aaj apan revise karne wale hain, that is essay 230, that is audit documentation. To agar hum log audit documentation ki baat kare, to again audit documentation aap keh sakte ho ki ek aadhar hai audit ka, right? To jitne bhi standards of auditing hai na, uske andar essay 230 ek aisa standard hai ki aap keh sakte ho universal standard hai, aur iska jo reference aapko har jagah dikhai dega. तो अब ऐसे 230 के अंदर कुल मिला के अपने को 8 चीजें डिस्कस करनी है. इफ यू रिमेंबर 8 थिंग्स, इट मींस योर ऐसे 230 दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज कंप्लीट, राइट? सो व्हाट आर द 8 थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर? व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? उसके बाद आपको याद रखना है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. उसके बाद आपको याद रखना है असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल. उसके बाद याद रखना है आपको रिटेंशन पीरियड, देन कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड फाइनली आपको याद रखना है कंप्लीशन मेमोरेंडम. तो अगर आपको ये 8 चीजें याद है, इसका मतलब आपका ऐसे 230 कंप्लीट है. तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है दैट एज ए ऑडिटर मैं जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूं, जो भी एविडेंसेस ऑब्टेन करता हूं, जो भी कंक्लूजंस रीच करता हूं, राइट? तो ऑडिट प्रोसीजर्स में कौन सा परफॉर्म करता हूं, कहां दिया है? ऐसे 330 में दिया है. एविडेंसेस में ऑब्टेन करता हूं, कहां दिया है? ऐसे 500 में दिया है. और कंक्लूजंस में रीच करता हूं, तो ओपिनियन ऐसे 700-705 के अंदर फॉर्म करता हूं. इन सारी चीजों का मुझे क्या रखना है? रिटन रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और उसको हम कहते हैं ऑडिट फाइल. अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिक्वायरमेंट क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का आधार क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिक्वायरमेंट ये है कि कल को भविष्य में अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी ऑडिट करने के लिए आता है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से होना चाहिए कि एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर जिसका कोई कनेक्शन नहीं है ऑडिट के साथ, वो भी फाइलों को देखकर समझ पाए कि व्हाट इज द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, व्हाट वेर द एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड व्हाट वेर द कंक्लूजंस रीच्ड. कि कल को एक नया बंदा भी ऑडिट करने आ रहा है, अगर वो एक्सपीरियंस्ड है और उसका कोई आधार नहीं है ऑडिट से, कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन को देखकर समझ पाए कि भाई ऑडिट किसने किया था, ऑडिट कब किया था, कितने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे थे, कौन कौन से एविडेंसेस ऑब्टेन करा था, रिव्यू कब हुआ था, वो सारी चीजें उसे समझ में आ जाए. उसके बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या होता है? तो देखना, बहुत लॉजिकल सी चीज है. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस ये होता है कि एक तो जब सब चीजें रिटन वे में रिकॉर्डेड होती हैं, रिटन वे में मेंटेन्ड होती हैं, किसको क्या काम असाइन किया था, सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो उससे क्या होता है कि यू कैन इजिली डायरेक्ट रिव्यू सुपरवाइज द वर्क ऑफ असिस्टेंट्स. तो एक सीएफएम क्या कर सकती है कि जो भी असिस्टेंट्स को काम